हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। मैं राहुल आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कह लो या फिर नोटिस के साथ कह लो। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर मैं एक साइट पर पहुँचा हूँ और ये जो साइट है आपका चंडीगढ़ का साइट है। ठीक है, कहाँ का साइट है तो ये RRV चंडीगढ़ का ये साइट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों। इसके अंदर में आप लोगों को एक सबसे पहला वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तारीख को जो आपका यहाँ पर पब्लिश किया गया है ये नोटिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस है उन लोगों के लिए जो लोग जो है आपका DV के लिए सिलेक्ट हो गए हो, चाहे वो LP के लिए हो चाहे वो टेक्नीशियन के लिए हो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए ये होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप एक देख सकते हो लिंक दिया रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बस सिंपली क्लिक करना, ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर में आप सिंपली पहुँच जाना। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ का लिंक भी दे दूंगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पहुँच भी सकते हो। नहीं तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में डाल दिया था आपको कि लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। इसमें आपको आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको 7 तारीख को जो पब्लिश हुआ है नोटिस, उसके अंदर में क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये मुझे अगेन कर रहा है डाउनलोड के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। फिर भी मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही हम लोग इसको डाउनलोड करते, देखिए हमारे सामने एक नया पेज, एक नया नोटिस जो है हमारे सामने में आ गया है दोस्तों। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें की गई है, ये सारा बात आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग सेलेक्ट हुए हो DV के लिए। ठीक है, चाहे वो LP के लिए हो चाहे वो टेक्नीशियन के लिए हो, मैं हजार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो यहाँ पर, ये रहा आपका पूरा नोटिस। और इसके अंदर में सबसे पहला डाउट जो होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हजारों बार मुझसे पूछ चुके हैं कि सर क्या जो ये लिस्ट निकाला गया है क्या वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से निकाला गया है, जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है DV के लिए क्या वो आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से निकाला गया है या फिर हॉरिजॉन्टल टू आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बाई लेटर के द्वारा निकाला गया। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है ये RRB के द्वारा, साफ साफ आप यहाँ देख सकते हो 1.0 जो है आपका द लिस्ट ऑफ रॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स provisionally shortlisted for DV have been published as an PDF document on RRB websites. आप जिस वेबसाइट से फिलअप किए थे, आपके वेबसाइट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है क्वालिफाई का, वो आपका आ चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ द रोल नंबर आर अरेंज हॉरिजेंटली इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। आपको यहाँ पर मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोगों को बहुत परेशान रहते हो इस चीज़ के लिए। देख लो ये जो आपका लाइन देख सकते हो यहाँ पर ऑन द मेरिट, ये जो आप पढ़ लो बहुत अच्छे से साफ साफ RRB ने क्लियर कर दिया कि ये आपका हॉरिजेंटल टू जो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, या वर्टिकली जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो अरेंज किया गया है वो भी असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मेरिट लिस्ट पे आपको यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में दोस्तों। एक चीज और यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि यहाँ पर एक चीज आपको डेढ़ गुना है, ठीक है, मतलब कि 1.5 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए हैं। आपको पता भी, आप लिस्ट खोलोगे जैसे ही मेरिट लिस्ट बोल रहा हूँ जैसे ही आप अपना क्वालिफाइज का जो आपका लिस्ट निकाला गया है वो आप जैसे ही खोलोगे आपको नीचे में दिख जाएगा डेढ़ गुना एक्स्ट्रा जो है आपका एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं। मैं आपको तुरंत अभी बता दूंगा कि ये क्यों लिए गए हैं सारे एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, इसके अंदर में बहुत क्लियर समझाया गया है, ठीक है, इस नोटिस के अंदर में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा लिखा है कि 10 पब्लिश लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ DV इंक्लूड 50% एडिशनल कैंडिडेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू एविलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ओवर एंड अबव द रिवाइज्ड वैकेंसी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ये तो ऐसा ही है, ठीक है, कुछ खास चीजें नहीं है। एडिशनल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर DV टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ वेरियस अट्रैक्शन ड्यूरिंग DV मेडिकल एंड आफ्टर। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों हमारे लिए। आगे यहाँ पर देखिए 2.0, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर DV हैज बीन डन कंसिडरिंग द फॉलोइंग, ठीक, प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, और सिक्योरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 35% इन Part B। आपको पता है कि Part B में आपको 35% लाने थे और फॉर ALP पोस्ट के लिए जो है आपका टोटल ऑफ 70% ऑफ सेकेंड स्टेज, ठीक है, CBT Part A स्कोर एंड 30 ऑफ
एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंसिडर, ठीक है, 30% आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपको लाने थे। तो ये थे आपका एलपी के लिए, ठीक है, ये अपना बता रहा है कि आपको ये चीज़ जो है आपको लाने थे, ये आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी डीवी के लिए जो भी कैंडिडेट्स जाओगे वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना है, साथ ही दो सेट आपको और लेके जाना है उसकी कॉपी, ठीक है, उसका जेरोक्स कॉपी एक बना लेना, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको एक चीज़ और इसके अंदर में याद रखना है, जो भी कैंडिडेट्स इसके अंदर में जाओगे उसके साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो जो है आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, फोटो का करीबन 8 पीस जरूर लेके जाना, कब कितना मांग लिया जाए कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, फिर भी आप अपने सिक्योरिटी के लिए आप इतना जरूर एक पूरा 8 पीस जो है पूरा एक जरूर अपना फोटो जो है पासपोर्ट साइज का जरूर लेके जाना। और साथ ही साथ इसमें देख लो यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया था दोस्तों, आप ये जो आपका 5 नंबर जो है, ठीक है, 5 नंबर जो आपका है पूरा नोटिस पढ़ सकते हो, लाइन पढ़ सकते हो, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी शुड प्रोसीड ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी, ठीक है, एंड A4 साइज आर डिटेल इन द CNN इकॉल लेटर, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इकॉल लेटर जो पब्लिश किया जाएगा वो भी आपको साथ ही साथ लेके आना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो लिए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो लिए गए हैं वो आपका मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत लोग तो छटेंगे भी, ठीक है, तो जो लोग छटेंगे तो उनके जगह को जो खाली हो जाने वाला है तो उस जगह को फिलअप करने के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लिए बुलाए गए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, अब कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या सर बहुत सारा जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो तो आपका पब्लिश किया जाएगा, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, इसका जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आपका टोटल जो प्रोसीजर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो हो जाने के बाद टोटल प्रोसीजर, ठीक है, टोटल प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद आपका कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपका जो है पब्लिश कर दिया जाएगा कट ऑफ, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं इसके अंदर में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था मैं आपने आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। एक चीज़ और, रेगुलरली अपना विजिट करते रहें वेबसाइट को, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, आपको उसके बारे में आपको हर एक जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है उसकी जो इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर पब्लिश कर दी जाती है तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड हो या प्रीमियरिंग हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने आने वाले कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए। थैंक यू सो मच।